टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचों में ही बुरी तरह हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद टीम इंडिया में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। रोहित शर्मा को विराट कोहली की जगह टी20 का नया कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी। खबरों के मुताबिक विराट कोहली की वनडे कप्तानी के भविष्य पर भी BCCI जल्द फैसला ले सकता है। समझा जा रहा है कि BCCI साल 2023 में होने वाले 50वें ओवर के वर्ल्ड कप से पहले टी20 और वनडे फॉर्मेट का एक ही कप्तान चाहते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कोहली की वनडे कप्तानी के भविष्य पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान ने रोहित शर्मा को भारत का नया टी20 कप्तान बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। ग्रीम स्वान के मुताबिक रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं दी जानी चाहिए थी। ग्रीम स्वान ने कहा कि रोहित शर्मा की उम्र को देखते हुए चयनकर्ताओं को उन्हें नहीं बल्कि युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत को भारत का कप्तान बनाना चाहिए था। बता दें कि कल ही रोहित शर्मा को भारत का नया टी20 कप्तान बनाया गया था। एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए ग्रीम स्वान ने कहा, रोहित अच्छे हैं लेकिन लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी नहीं कर सकते, जबकि ऋषभ पंत अगले 10 सालों तक ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, ऋषभ पंत ने IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार काम किया। उन्होंने अपने खेल का लेवल बढ़ाया है और उनमें महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का मिक्स अप नजर आता है। इसके अलावा ऋषभ पंत विराट की तरह जोशीले नजर आते हैं, साथ ही विकेट के पीछे हंसते मुस्कुराते रहते हैं और खिलाड़ियों से बात करते रहते हैं। बता दें कि इस साल की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने पर पंत को कप्तानी सौंपी गई थी। ऋषभ पंत ने इस मौके को अच्छी तरह भुनाया और दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ तक पहुंचाया। पंत इस समय उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में जगह मिलती है। स्वान ने कहा, भारतीय टीम की कप्तानी संभालने के पंत बेहतरीन उम्मीदवार हैं। मैं रोहित शर्मा का नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उम्र उनके आड़े हाथ आ रही है। धन्यवाद।